सो हेलो लवली पीपल, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं अपनी गाड़ी के डिटेलिंग के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे डिटेलिंग प्रोडक्ट्स की। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, मेरे पास नॉर्मल से एक स्प्रे है जिससे मैं अपनी कार को जब भी वॉश करता हूँ तो उसमें शैम्पू करके और अच्छे से स्प्रे कर देता हूँ। उससे अच्छे से अपनी कार वॉश हो सकती है, इसलिए मैंने ये परचेज़ किया है। फिर बात करते हैं कि मैं अपनी कार का जो शैम्पू है वो कौन सा यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये ऑटो स्पा का शैम्पू है और वॉश एंड वैक्स शैम्पू है ये। तो ये शैम्पू मैं यूज़ करता हूँ अपनी कार को वॉश करने के लिए। फिर बात करते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे कार केयर किट परचेज़ किया था जिसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है पूरी ब्रीफ में, तो आप वो जाके देख सकते हैं। उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर बात करते हैं, मैं आपको एक बार फिर भी बता देता हूँ कि ठीक है। तो दोस्तों, ये वाटरलेस ऑटो गार्ड कोटिंग है, मतलब इसमें से फोम जैसे निकलता है और आप इसको ग्लास और पेंटेड सरफेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसका सेकेंड चीज़, तो दोस्तों ये डैशबोर्ड शाइन है, तो ये डैशबोर्ड के लिए पॉलिश समझ सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी शाइन दे देती है आपके डैशबोर्ड को, एकदम ओरिजिनल लुक दे देती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ये यूरो डायमंड शाइन का, ये भी स्टेन रिमूवर। तो ये अपनी कार पे जो भी कोई हल्के फुल्के जो स्क्रैच पड़ जाते हैं वो इसको ये हटा देता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसका मैंने सेट लिया था पूरा, तीनों का किट था, ये 700 rupees इसकी कॉस्ट आई थी। फिर बात करते हैं, यहाँ पे मेरे पास पॉलिश है, शिवा की पॉलिश। ये वैसे तो आप अपने जो ब्लैक पार्ट्स होते हैं, डैशबोर्ड होता है, उनको आप इससे पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको टायर पॉलिश की तरह यूज़ करता हूँ। और जो मैं डैशबोर्ड के लिए जो पॉलिश यूज़ करता हूँ वो है ये मोटोमैक्स की डैशबोर्ड पॉलिश। ये जो पॉलिश है मैं अपने डैशबोर्ड के लिए यूज़ करता हूँ। फिर बात करते हैं अपनी कार की जो बॉडी है, कार की जो पेंट सरफेस है, उसके लिए क्या यूज़ करता हूँ। तो मेरे पास ये फॉर्मूला 1 का कार्नोबा कारवैक्स है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी शाइन दे सकती है आपकी कार को, और मैंने इस पर स्पेसिफिकली एक वीडियो भी बना रखी है कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं और इसका क्या रिजल्ट है। तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, मैं आपको नीचे लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो का लिंक। फिर बात करते हैं अपने कार पे जो भी दाग पड़ जाते हैं, जो भी स्टेन पड़ जाते हैं अपनी कार पे, तो उनको क्लीन करने के लिए दोस्तों मैंने ये जो क्ले आती है कार की जो पेंटेड सरफेस के लिए, ये क्ले मंगा रखी मैंने। तो इससे जो क्या होता है, जो भी अपनी कार पे जो पेंटेड बॉडी पे जो भी गंदे जो दाग होते हैं, मतलब ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, आप उनको क्लीन कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा काम करती है। और दोस्तों, नॉर्मल जो बच्चे खेलते वाली नहीं क्ले, ये कार के लिए स्पेशल क्ले आती है। फिर बात करते हैं क्लोथ कौन सी यूज़ करता हूँ। तो मेरे पास ये माइक्रोफाइबर क्लोथ है अपनी कार को, इससे आपकी कार पे स्क्रैच भी नहीं पड़ते। और जब भी मैं कार को वॉशिंग करता हूँ तो इसके लिए मैंने ये हैंड ग्लव्स मंगा रखे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अपनी कार की अच्छे से वॉशिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर होप करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो की जैसे लाइक बटन को और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी नई नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।